हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अनीता और आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब्स को डिटेल में समझेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं इनके यूजेस क्या हैं ये सब हम कवर करेंगे सो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं पहला ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा मॉडल वर्ब्स मैंने मॉडल वर्ब्स की वीडियो बना रखी है और उसे आप देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए मैंने टेंस की भी वीडियो बनाई है उसे भी देखिए ताकि आपकी टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये तीन प्रकार के होते हैं जो कि हम टेंस में यूज करते हैं तो पहला है टू बी दूसरा टू हैव तीसरा टू डू अब टू बी के अंतर्गत आते हैं इज़ एम आर वॉज़ वर्ड तो ये सब क्या है टू बी के फॉर्म्स हैं जैसे बी का मतलब क्या होता है होना तो ये सारे जो वर्ड हैं बी के फॉर्म्स हैं जिन्हें हम सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं उसी तरह वॉज़ वर्ड का यूज़ पास्ट में हुए इंसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है तो चलिए अब हम एक एक करके एज़ एम आर वर्ज वर्ड के यूज को देखते हैं कैसे किन किन सेंस में इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को यूज किया जाता है तो इसका पहला यूज है टू डिस्क्राइब वॉट अ पर्सन और थिंग इज तो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या है मतलब उसका स्टेट क्या है फॉर एग्जाम्पल माई अंकल इज अजनेसमैन तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज से हमें क्या पता चल रहा है सब्जेक्ट के स्टेट का पता चल रहा है कि वो एक बिजनेसमैन है सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज़ अ बॉय वह एक लड़का है दे आर हैप्पी वे खुश हैं द वेदर इज सो प्लेजेंट टूडे आज मौसम बहुत ही सुखद है तो इन सारे सेंटेंस में जो हमने हेल्पिंग बर्ब यूज़ किया है उससे क्या पता चल रहा है सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस का पता चल रहा है कि वो क्या है तो अब आपको पता चल गया होगा कि बी का मतलब क्या होता है और ये जो सारे हेल्पिंग बर्ब्स हैं उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है इसका सेकेंड यूज़ है विथ वर्व की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी टू मेक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यस इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं किसी भी काम की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए जब हम एस एम आर प्लस वर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज़ करते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी काम प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यू है फॉर एग्जाम्पल She is studying. वह पढ़ रही है Ramu is cooking food. रामू खाना बना रहा है They are playing football. वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं I am eating my dinner. मैं अपना रात का भोजन खा रहा हूँ तो यहाँ पे is, एम आर के यूज से हमें पता चल रहा है कि काम कंटिन्यू चल रहा है तो ये था सेकेंड यूज आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इसका थर्ड यूज है टू एम्फेसाइज एन एक्शन इन पैसिव फॉर्म्स जब हम पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस बनाते हैं तो इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं जैसे दीज रूम्स आर क्लीन ट्वाइस अ डे ये सारे कमरे दिन में दो बार साफ किए जाते हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर है और जो मेन वर्ब है क्लीन उसकी थर्ड फॉर्म क्लीनड है तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल चिल्ड्रेन आर टॉट बाय टीचर बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं और लेटर इज़ रिटन बाय राम फूड इज़ कु मदर तो आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज और आर का यूज़ किया गया है और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है अच्छा एक चीज़ और ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है इसका यूज़ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे एम है तो एम के साथ आई का यूज होता है एज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हे शे एट या किसी सिंगुलर नेम के साथ आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है जैसे यू दे वी दिस दोज यानी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसके साथ आर का यूज किया जाता है अब है वॉज वर्ड का यूज़ वॉज वर्ड का यूज़ हम सेम कंडीशन में करते हैं बट पास्ट के लिए जैसे इज एम आर को हमने थ्री सिचुएशन में यूज़ किया उसी तरह वॉज वर्ड का भी यूज़ करेंगे बट पास्ट के लिए जैसे यूज़ ऑफ वॉज वर्ड टू डिस्क्राइब वॉट अ पर्सन और थिंग वाज। तो सेम कंडीशन है उसी तरह इसका एग्जाम्पल भी है माई अंकल वॉज़ अ बिजनेसमैन मेरे चाचा एक बिजनेसमैन थे चिल्ड्रेन वर्ड हैप्पी बच्चे खुश थे वेदर वॉज सो प्लीजेंट मौसम बहुत ही सुखद था वर्स वर्ड का सेकेंड यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ड वर्स वर्ड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का यूज करेंगे जैसे ही वॉज स्लीपिंग वह सो रहा था सी वॉज कुकिंग फूड वह खाना बना रही थी वॉट वॉज सी कुकिंग वह क्या बना रही थी दे वॉर डांसिंग वे लोग डांस कर रहे थे तो ये था सेकेंड यूज अब इसका थर्ड यूज है सेम वही है टू एम्फिसाइज एन एक्शन इन पैसिव फॉर्म जैसे इज एम आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए किया उसी तरह वॉज वर्ड का यूज पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के लिए करेंगे जैसे एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है दीज रूम्स वर्ड क्लीन ट्वाइस अ डे ये सारे कमरे दिन में दो बार साफ किए जाते थे चिल्ड्रेन वर्ड टॉट बाई टीचर बच्चे शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते थे नेक्स्ट है अ लेटर वॉज रिटन बाय राम एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया फूड वॉज प्रिपेयर बाई माई मॉम भोजन मेरी माँ के द्वारा बनाया गया नेक्स्ट है टू है इसके प्रेजेंट फॉर्म हैव और हैज होती है इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड चलिए इसके यूज़ देखते हैं तो हैव और हैज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं किसी भी काम को कंप्लीट दिखाने के लिए जैसे आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क मैंने अपना काम पूरा कर लिया है शी हैज़ डन हर वर्क उसने अपना काम पूरा कर लिया है तो इन दोनों सेंटेंस में हैव और हैज़ एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है किसी भी काम को परफेक्ट दिखाने के लिए और इसका सेकेंड यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लेकिन इस टेंस में हैव और हैज़ के साथ बीन का यूज़ किया जाएगा जैसे वह सुबह से पढ़ रही है शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन वर्किंग फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से काम कर रहा हूँ वी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं ये था सेकेंड यूज़ तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें हैब और हैज़बिन का यूज़ होगा इसके अलावा हैज़बिन और हैव बीन का यूज़ पैसि वॉयस में किया जाता है लेकिन पैसि वॉयस में हैविनज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है जैसे वर्क हैज़ बीन डन बाई मी तो इस सेंटेंस में हैज़ बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है और अगर हैज़ बिन या है बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसके अलावा हैब और हैज़ का यूज होता है टू पोजेस और होल्ड समथिंग किसी वस्तु पे अपना अधिकार हो जो ओनरशिप शो करता है जैसे ही हैज़ टू किड्स उसके पास दो बच्चे हैं आई हैव अ कार मेरे पास एक कार है आई हैव ओल्ड क्वाइंस मेरे पास कुछ पुराने सिक्के हैं तो have और हैज का मतलब होता है किसी भी चीज का पास होना तो जब भी हम किसी भी चीज के पास होने की बात करते हैं तो have और हैज का यूज करते हैं अब नेक्स्ट हैज का पास्ट फॉर्म होता है तो हैड का यूज भी हम सेम कंडीशन में करते हैं लेकिन पास्ट टेंस के लिए जैसे पहला है कीज उसे कार की चाबी मिल गई थी सेकेंड यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में लेकिन यहाँ पे हैड के साथ बीन का यूज होगा जैसे दे हैड बीन वेटिंग देयर सेंस मॉर्निंग वे लोग वहाँ सुबह से वेट कर रहे थे शी हैड बीन स्टडिंग फॉर टू आवर्स वह दो घंटे से पढ़ रही थी तो हैड का भी सेम यूज हैव और हैज़ की तरह फर्क यह है किड का यूज पास्ट के लिए होगा नेक्स्ट हैड का यूज पास्ट परफेक्ट के पैसि के लिए किया जाता है और जब हम किसी भी चीज़ के पास होने की बात करते हैं जो कि पास्ट की बात है जैसे मेरे पास कार थी आई हैड अ कार आई हैड अ बिग हाउस तो ऐसे सेंस में हैड का यूज़ होगा इसका सेम यूज़ है हैव और हैज़ की तरह बट सिर्फ पास्ट के लिए यूज़ करेंगे नेक्स्ट है टू डू इसके अंतर्गत आता है डू डज डिड तो ये सब टू डू के फॉर्म्स हैं अब डू do और डज का यूज हम कहाँ करते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और दूसरा यूज जब हम क्वेश्चन पूछते हैं यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा जैसे आई दे वी यू और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा जैसे ही शी इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए जैसे ही डज नॉट हेल्प मी वह मेरी मदद नहीं करता है आई डू नॉट गो टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जाती हूँ शी डज नॉट गिव माई पेन वह मेरी कलम नहीं देती है तो यहाँ पे डू do और डज़ को नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया अब जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा डज ही हेल्प मी क्या वो मेरी मदद करता है डज ही गो टू स्कूल क्या वह स्कूल जाता है डू यू स्टडी क्या तुम पढ़ते हो अब है डिड जो कि पास्ट के लिए यूज किया जाता है जैसे डू do, डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है उसी तरह डिड का यूज पास्ट इन डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव के लिए किया जाता है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे हे डिड नॉट स्टडी उसने पढ़ाई नहीं की शी डिड नॉट गो टू स्कूल वह स्कूल नहीं गई ही डिड नॉट हेल्प मी उसने मेरी मदद नहीं की अब इसका इंटेरोगेटिव होगा डिड ही गो टू स्कूल क्या वह स्कूल गया डिड सी स्लीप क्या वह सो गई तो ये था डिड का यूज जिसे हम पास्ट के लिए यूज करते हैं तो ये थे टू बी टू डू टू हैब के फॉर्म्स जो कि टेंस में यूज़ किए जाते हैं आई होप ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिलन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग